धनुष बाण चुनाव चिन्ह को लेकर अभी भी लोगों के अंदर मतभेद है। वो उन्हें अभी पता भी नहीं है कि उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग उद्धव ठाकरे करेंगे या शिंदे गुट, क्योंकि लगातार जो है शिंदे गुट उस चुनाव चिन्ह पर दावा कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी मामला जो है इलेक्शन कमीशन को दिया है। आपको बता दें अंधेरी में अब चुनाव होने हैं, उपचुनाव है, और ऐसे में जो चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपना एक कैंडिडेट वहां पर रख दिया है, ऐसे में शिवसेना जो है अपने उस चुनाव चिन्ह का भी इस्तेमाल करेगी। उस पर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी है और उसमें उन्होंने भी अपने उम्मीदवार रखे हैं, तो उन्हीं सब बीच में जो लड़ाइयां होनी है, अगर ऐसे में शिंदे गुट जो है इस पर दावा करती है उस चुनाव चिन्ह को लेकर, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या निर्णय ले सकती है, उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लीगल एडवाइजर जो है एडरिच मिरिंडा हमारे साथ में है। सर, जो चुनाव चिन्ह को लेकर अभी भी मतभेद है और अंधेरी में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, और ऐसे में उद्धव ठाकरे जी ने उसके लिए कैंडिडेट उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया गया है, अगर उसी चुनाव चिन्ह का वो इस्तेमाल करते हैं और शिंदे गुट उस पर दावा करती है नामांकन के समय कि चुनाव चिन्ह हमारा है, इसका इस्तेमाल यह पार्टी नहीं करे, तो उस पर क्या जो है निर्णय इलेक्शन कमीशन ले सकती है कानूनी दायरे के अनुसार? दल बदल कानून का दायरा होगा, तो ऐसे में क्या निर्णय ले सकती है? इलेक्शन कमीशन स्टे भी ला सकता है, इलेक्शन कमीशन वो चुनाव रद्द भी कर सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन को जो है उसी चुनाव चिन्ह पर वो दावे कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं क्या उद्धव ठाकरे? अब फिलहाल कोई आदेश पास नहीं हुआ और मामला इनके सामने इलेक्शन कमीशन के सामने है, इनकी फर्ज बनती है, या तो इसका निर्णय तुरंत लिया जाए या तो स्टे दिया जाए, दोनों में से एक। लेकिन ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने 3 नवंबर को चुनाव डिक्लेयर कर दिया गया है, उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट सेट कर दिया गया है, ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे के पास ये निर्णय लेने का अधिकार है क्या, वो चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल वो कर सकते हैं क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला था और ऐसे में वो इलेक्शन कमीशन के पास गया है, उसके बावजूद भी अभी उसका फैसला नहीं आया है, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो कानूनी तौर पर सही है? ये मैटर बहुत ही नाजुक है, अगर किसी को वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी तो वो पक्ष जो सेटिस्फाइड नहीं है वो कोर्ट में मामला ले। तो उद्धव ठाकरे ने तो वो निर्णय ले लिया है, अभी तो उन्होंने अपना कैंडिडेट भी दे दिया है, वो उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल भी करेंगे। विरोध पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जेंट ऑर्डर मांग सकते हैं। अच्छा। इनको रोकाने में स्टे लेने में विरोध पक्ष का भी पास अधिकार है, कोर्ट से विनती करना है, कोर्ट से दरख्वास्त करना है, तो अर्जेंट ऑर्डर मांग सकते हैं ना। तो मतलब आपका कुल मिला के ये कहना है कि अगर शिंदे गुट इस पर दावा करती है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें धनुष बाण का इस्तेमाल न किया जाए, तो ऐसे में जो है ये हमारे हिसाब से एक्चुअली अब तो किसी ने निर्णय नहीं लिया, ना तो कोर्ट ने ली ना इलेक्शन कमीशन ने ली, तो इसमें तो प्रॉब्लम होने वाला है आगे बढ़ के, या तो कोर्ट ऑर्डर देना चाहिए, कोर्ट उसकी सुनवाई करना चाहिए अर्जेंट बेसिस के ऊपर, या तो इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर लेना चाहिए। ऐसे कई बार है जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं लेने के फैसला नहीं करने से जब इनकार करते हैं या तो डिले करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोर्ट सो मोटो एक्शन लेते हैं। कभी कोर्ट किसी ने अर्जी किया, दावा किया, अपना याचिका दायर की, तो उस याचिका पर भी डिसीजन लेते अर्जेंट मैटर। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो मामला अभी भी फैसला उसका निर्णय नहीं आया है, तो क्या उद्धव ठाकरे को चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए था या कर रहे हैं? करना चाहिए था नहीं चाहिए था वो मैं ऐसे कुछ निश्चित नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक आदमी अपना मन अपना माइंड के हिसाब से करेगा, वो राइट है या रॉन्ग है तो कोर्ट फैसला करेगा उसका, वो मैं कोई अपना पर्सनल कानून क्या कहता नहीं है? दे सकता। कानून क्या कहता है? कानून का जब तक ऑर्डर नहीं है और ऐसे कोई स्टे नहीं है तो कोई भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन स्टे आएगा या तो
आगे बढ़ के कुछ अगर गलतियां निकलेगी, किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो उनका इलेक्शन रद्द हो सकता है। अच्छा, मतलब अगर नामांकन के समय शिंदे अगर उसका दावा करते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर फिर से, तो अगर वो मामला फिर से जाता है तो उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे नहीं कर पाएंगे? कोर्ट का आदेश आने पे तब निश्चित बोल सकता है, आपको पहले से मैं नहीं बोल सकता हूँ। कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को आदेश दे दिया, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दे दिए, इलेक्शन कमीशन अपने काम नहीं करने की वजह से फिर कोर्ट के पास जा सकते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने काम नहीं कर रहे हैं जो उनकी फर्ज बनता है। तो अभी तो चुनाव हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है, तो फिर याचिका दायर कर सकते हैं ना? कोई किसी ने मना तो नहीं किया आपको? अगर वो याचिका दायर नहीं करते हैं तो शिंदे, तो आप भी चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए, तो आपको अदालत के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। अब दरख्वास्त करेगा तब ना। अच्छा ठीक है, तो कुल मिलाकर कहें अगर शिंदे गुट 3 नवंबर से पहले नामांकन के पहले अगर दावा करती है उस चुनाव चिन्ह को लेकर, तो फिर उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कुछ निर्णय ले सकता है। अगर दावा नहीं करती है तो उद्धव ठाकरे उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर इलेक्शन कर सकते हैं, ऐसा जो है लीगल एडवाइजरी टीम के जो है एडल मिरिंडा ने हमें ये पूरी जानकारी दी है। तो जो मेट्रो मुंबई के जो व्यूअर्स हैं वो इस मामले को कहीं ना कहीं जानना चाहते थे कि क्या उस चुनाव चिन्ह को लेकर उनके अंदर मतभेद है और उनको क्या जानना है उस पूरे मामले पे। अगर ये पूरा निर्णय क्लियर पता चलता है कि अगर शिंदे गुट इस पर दावा करेगी इलेक्शन के दौरान, तो ऐसे में ही चुनाव चिन्ह का प्रयोग जो है जो वो विफल हो जाएगा, वो चुनाव चिन्ह का प्रयोग उद्धव ठाकरे नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर शिंदे गुट इस चीज का दावा नहीं करती है तो उद्धव ठाकरे उस चुनाव चिन्ह के सहारे आने वाले समय में बीजेपी और शिवसेना का इलेक्शन हो पाएगा। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।